हेलो एवरीवन। तो हमें लग रही क्या छोटी छोटी भूख, तो हमने सोचा हम क्या करें, तो हम लोग बना रहे हैं ढोकला, क्योंकि मैगी और चाउमीन हम लोगों ने आजकल डाइट पे चल रहे हैं, तो हम लोग नहीं खाना चाह रहे हैं चाउमीन या मैगी। तो हमने सोचा हम कुछ अच्छा सा बनाए खाने लायक, तो हम ढोकला बनाने जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा बेसन लिया, हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो हम लोग कुकर में ही बना लेंगे। कुकर में बनाना काफ़ी ईजी होता है और अच्छा भी बनता है। तो हम ढोकला बनाने के लिए इसमें नॉर्मल से चीज़ें डालेंगे, जैसे कि जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। देन चीनी, सोडा, अगर खाने का सोडा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा तब भी। देन हम इसको मिलाएंगे, बैटर बना लेंगे इसका ठीक सा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे वरना इसमें गोले गोले बन जाते हैं। ज़्यादा नहीं डालना इसमें, एक साथ सारा पानी नहीं डलेगा। रेस्ट पे रखने के बाद फिर हम इसमें इनो ऐड करेंगे। इनो आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। कुकर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी रखो, और पानी में थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा नहीं। इसमें स्टैंड आता है इस तरीके का, तो हर किसी के घर में अवेलेबल होगा ये स्टैंड, क्योंकि माइक्रोवेव तो होता नहीं है सभी के घर में। तो हम इसमें इस तरीके से बना लेंगे। तब तक हमारा बैटर थोड़ा रेस्ट पे है, तब तक हम इसका पानी गर्म कर लेंगे। और याद रखना, अगर जब भी आप ढोकला बनाते हैं तो इसमें हमें इस कुकर के ढक्कन में हमें सिर्फ सीटी नहीं रखनी है, ओके। हम बिना सीटी के बनाते हैं जब भी हम। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है, हम इसमें डालेंगे इनो। मिक्स कर लिया, हम इसको बर्तन में डाल देंगे, ढोकले वाले बर्तन में, जिसमें हम ढोकला बना रहे हैं। गिरा हुआ बर्तन, बट इसमें हम थोड़ा सा तेल या लगा लेंगे, तेल या बटर जो भी आपके पास है। आप ब्रश से या किसी रख लिया है इसको, इस तरह करके अब हम इसको कुकर में रखेंगे। हमारा पानी गर्म हो चुका है, ये देखिए आप निकल सकती है इससे स्टैंड के ऊपर, इस तरह रख के बंद कर देंगे। और जब भी हो जाएगा बाद, अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको ओपन करके देखेंगे। और हमको चेक करने का तरीका, हम कोई भी ड्राई नाइफ ले लेंगे और सेंटर में डालेंगे। अगर ये नाइफ पे नहीं चिपक रहा है तो समझो बन गया है, पर ये अभी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, ये देखिए। तो अभी थोड़ा है इसमें कसर पकने में। इसके तड़के में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डलेगा, तेल आप अपने उसके अनुसार डाल सकते हैं जैसा आप खाते हैं नॉर्मली। और फिर इसमें डलेगा सरसों, थोड़ी सी इसमें सरसों का तड़का लगता है, सरसों और हरी मिर्ची का, और अगर हम उनको डाल सकते हैं। तो सरसों जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको ढक्कन पका के वो करेगा। तो क्या है, इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं इसमें मीठा जितना आपको पसंद है। और लेमन, आप हाफ लेमन ले सकते हैं पूरा, और हाफ लेमन डाल सकते हैं। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, वाओ ये हम इसको निकाल लेंगे, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे पहले। ठंडा करके इसके चारों साइड इस तरीके से चक्कू लगाकर इसे अब चम्मच से हल्का कर लेंगे। ये देखिए हमारा डॉक्टर अपना स्पंजी बनाया, काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है देखने में। और इसका पानी भी तैयार हो गया है, इसका पानी भी फटाफट से बना लिया था इसका तड़का। तो हम इसको कट कर लेंगे नाइफ से,
पसंद आया, ये तड़का तैयार हो गया था, तो हम इस तरीके से इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अभी रेडी हो चुका है और आप इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। बहुत यम्मी लग रहा है। बहुत वाओ, सो नाइस। तो आप लोग भी अपने घर पर ऐसे ही बना सकते हैं टेस्टी सा ढोकला। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। एंड देन थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।